लिया, ठोक लिया गाड़ी, ये एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। तो आज मैं जा रहा हूँ यूट्यूब फैन फेस्ट में, कल भी हुआ था बट मैं कल जा नहीं पाया था, तो आज मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मिलना है वरुण से। तो वरुण आज ही आ रहे हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आज उनसे देखते हैं मिल पाते हैं कि नहीं। तो मैं जा रहा हूँ और साथ में मेरे दोस्त अनूप नियाल भी मेरे साथ जा रहा है, जिसको अभी मैं घर से उसका पिक करूँगा। और एक फ्रेंड मेरा जो संदीप है, वो मुझे गुड़गांव एम्बियंस मॉल में यूट्यूब फैन फेस्ट जो चल रहा है उसी में जा रहा हूँ मैं। ये मिल गया, चल भाई, चलो सर बैठ जा, रेडी हो गए, चलो अनूप मिल गया है और अब निकल चुके हैं मंजिल की ओर। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप अच्छे हो तो मैं भी अच्छा। लो भैया, ठोक लिया गाड़ी, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। आपने अभी देखा कि मजाक में दो लोगों ने एक्सीडेंट कर दिया, बट आप लोग भी अपने सेफ से चलें और दूसरों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। ऐसा गंदा मजाक मत करें जिससे आपकी जान को और दूसरों की जान को भी खतरा हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मत करें अपने साथ या किसी और के साथ भी मत करें। और कोई कर रहा हो तो उसको प्रमोट मत कर दे, उसको रोकने के लिए बोलिए कि ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं होता। लेट्स सी, बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं एम्बियंस मॉल, आपको बता रखा है 5-10-15 मिनट का रास्ता और रह गया है यहाँ से मुझे हार्डली। तो बस मैं एम्बियंस मॉल पहुँचने वाला हूँ, NH8 पे ही हूँ। मेरा दोस्त जो है वो पहुँच चुका है, बार बार मुझे कॉल कर रहा है, तो बस मैं भी पहुंचने वाला हूं आपके साथ। जस्ट हार्डली 5 मिनट्स मोर लगेंगे मुझे पहुंचने में। यहां पे कुछ काम चल रहा है, ये एम्बियंस मॉल के पास का ही एरिया है। बस ये हम पहुंचने वाले हैं एम्बियंस मॉल। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विथ वरुण। आज मैं उनकी टी शर्ट भी पहन के आऊँ जो उन्होंने दी थी मुझे काफ़ी दिन पहले। तो ये हम पहुँच गए एम्बियंस मॉल और जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ, और बाइक को पार्क करके देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। क्या है यार ये, मतलब कुछ तो देखो तुम, क्या है ये सब?
जो हिम्मत रखता है उसका वक्त बदलता है, ये मेरे पीछे बोलेंगे सारे, ठीक है? जो हिम्मत रखता है, जो हिम्मत रखता है उसका वक्त बदलता है। ये वीडियो किस किसने देखी हुई है? दोनों हाथ खड़े करके। किस किस का दिल टूटा है? किस किस को? किस? ये वीडियो जब मैंने बनाई तो मेरे पास बहुत मैसेजेस आए 99.9% लड़कों के। सब लड़के भाई यार हमारी स्टोरी ये है, प्लीज यार थोड़ा हेल्प करो भाई, हमारी स्टोरी है, प्लीज हेल्प करो। तो एक मैसेज मेरे पास आया जिसमें लड़के ने बोला कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत अकेला फील करता हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहा सर मैं जिस लड़की से ही बात करनी शुरू करता हूँ ना, मुझे 2 दिन में ब्लॉक कर देती है। ये भाई जो हंस रहे हैं सब ब्लॉक हुए। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ भाई? कह रहा सर मेरी हेल्प करो, मेरे को कॉम्प्लेक्स आता जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लाइफ के अंदर मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं अपनी वैल्यू कैसे बनाऊं। मैंने कहा यार घोड़े भी भाई एक बात बता, अगर तू रस्ते पे चल रहा हो और तेरे को पत्थर दिख जाए तो तू क्या करेगा? एनीबॉडी, अगर आप रस्ते पे चल रहे हो आपको पत्थर दिख जाए तो आप क्या करोगे? किसने बोला लात मार देंगे? मैंने उसको बोला भाई तेरे भी लात ही पड़ रही है। कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो मोटिवेशन लेने आया था, आप तो डाउन कर रहे हो। मैंने कहा एक मिनट यार आगे चलते हैं। आप सोच तो थोड़ी आगे गया और यहाँ पर तेरे को डायमंड पड़ा हुआ दिख गया तो तू क्या करेगा? जेब में रख लेंगे। और हाँ दिल से लगा के रखोगे, चोरोगे, बोलोगे मेरा राइट। तो मैंने कहा यही हो रहा तेरे साथ। कह रहा क्या मतलब? मैंने कहा यार इतनी पार्शियलिटी क्यों कर रहा है? पत्थर को लात मार रहा, डायमंड को दिल से लगा के चोरोगे, कह रहा मेरा ऐसा क्यों? कह रहा सर क्योंकि डायमंड की वैल्यू होती है। क्या होती है? पत्थर की होती है क्या? नहीं। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि डायमंड भी पहले पत्थर ही होता है। पता है। और जब वो पत्थर से डायमंड बनता है तो उसकी वैल्यू होती है। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा यार तू चाहता है हर बंदा तेरे को रिस्पेक्ट दे, तेरे को दिल से लगा के रखे, छाती चौड़ी करके बोले तू मेरा, लेकिन तूने अपनी वैल्यू तो बनाई नहीं है। तो भाई जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है कि अपनी वैल्यू क्रिएट करो, प्यार मोहब्बत ढूंढो अच्छा है, लेकिन उससे पहले वैल्यू बना लो, क्योंकि जब वैल्यू बन जाएगी ना तो बहुत आसान हो जाएगा प्यार मोहब्बत ढूंढना। फटी शर्ट थी, फटे जूते थे, पैंट ठीक थी क्योंकि पैंट आसानी से फटती नहीं है। अब शर्ट भी आ गई, जूते भी आ गए, पैंट भी है, और एक और जो मेरी किस्मत बदली अभी भी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखना चाहोगे मेरी जिंदगी कैसे बदली? आवाज नहीं आई। सपनों में रस आए और जिंदगी में आना, चले जाना तुमने किसे दीवाना, सपनों में रस आए और जिंदगी में आना। सनम इनको ना गाना बहुत पसंद है जो मैं इनके लिए हमेशा गाता हूँ, और इन्होंने मुझे कहा था कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे जाके मेरे लिए वाला गाना गा देना। मैं ठीक है भाई, मैंने कहा सब हमारे भाई बहन वहाँ पे होंगे, सब मिलके गा देंगे, लेकिन अपनी अपनी वाली के लिए, ठीक है? आगे बंद करके अपनी अपनी वाली के लिए। तो करें शुरू। तेरी वजह
उससे है मिली जीने की सब ख्वाहिशें, पालू तेरे दिल बहुत शर्मारी है यार, जरा तेरे दिल में जगे है ये मेरी कोशिश, मैं बस तेरा बनू दिन तेरे ना रहूं, मैंने तो मांगी है ये दुआ, दिल है कि सोचता फिर भी नहीं पता किसे हक से कहूं पता। तो भाई मैं तो आपसे बोलूंगा कि मैं हूं हीरो, इतनी अच्छी बात है यार, अपना बोला मुझे भाई उठा लू अपने नाम के पीछे बहुत प्राउडली यादव लगाते हैं। Ladies and gentlemen, make some noise for Elvis. क्या हाल है सबके? तुम तो बहरा कर दोगे यार। देखो मेरे लिए मचना चाहिए सबसे ज्यादा शोर, क्योंकि एक तो जो है दिल्ली बोल के गुड़गांव में फैन फेस्ट हो रहा है, तुम्हारा भाई इसी गुड़गांव से है, और दूसरा तुम्हें तो पता ही है फूफा बदमाश है भाई, चाचा तो बदनाम है ही पर फूफा ज्यादा बदमाश है। मैंने यहाँ पे आने से पहले कॉल करा फूफा को, मैंने किया ऐसे ऐसे मैं फैन फेस्ट में जा रहा हूँ तो साथ चलोगे तो बताओ। फूफा कहते भाई फैन फेस्ट फून फेस्ट में नहीं आ रहा मैं, सीधा वीडियो में आऊंगा, तो लिया हूँ वीडियो में फूफा ने। कौन सी वीडियो में लाऊं, अगली वीडियो में ले आऊं? आज हो गई अपने फैन फेस्ट में सारा कुछ हो गया, अब चलते हैं सीधे घर। संगीत अनूप और मैं सब चल रहे घर, तो चलो भाई बाहर की हम तो याद नहीं कर जाएंगे आप लोगों का, चलो बाय। चलो हम लोग भी चलते हैं पार्किंग में। तो हमने आज खूब एंजॉय किया और आप लोग को भी दिखाया कि कैसे क्या क्या होता है। सब आप लोग की वजह से ये YouTube फैन फेस्ट और ये सब हो रहे हैं, सिर्फ आप लोग की वजह से लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आप लोग का बस प्यार बना रहे, जो भी जैसे भी है सबके लिए, आपके लिए आपका आप से बढ़कर कोई नहीं है, तो आप लोग का बस प्यार बना रहेगा तो हम लोग भी खुश रहेंगे और बाकी भी सारे खुश रहेंगे। तो हमने थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी की और इन्जॉय करते हुए अपने डे को बस घर की तरफ निकल दिए, और थोड़ी देर में घर भी पहुंच जाएंगे। अपना एक छोटा सा राइड भी हो गया, यूट्यूब का फैन फेस्ट भी देख लिया, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा है, इससे पहले मैं कभी नहीं गया यूट्यूब फैन फेस्ट में, बस पहली बार गया, पास में था, घर के पास में था, तो मैंने कहा चलो एक राइड भी कर लेते हैं और घूम भी आएंगे, थोड़ी शॉपिंग भी कराएंगे, सब कुछ करा के। अब काफ़ी लेट हो रहा था, अभी अमित बडाना आने वाला था, बट मैं फिर काफ़ी लेट हो जाता सो मैं अभी नहीं है रुका और घर आ गया हूँ, तो फिर पहुँचने वाला हूँ अपने घर के। बस मेरा घर आ गया है, तो धन्यवाद, थैंक यू आप सबका जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बहुत टाइम है अभी। ये तो लाइट देख के भागता हुआ आ गया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।